हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स, और हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। हम आपको ये सभी पार्ट्स एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे स्टूडेंट्स, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि मोड क्या होता है। किसी डेटा की वो वैल्यू जो उस डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी डेटा की वो वैल्यू जो उस डेटा में सबसे ज्यादा बार आती है, वो वैल्यू उस डेटा की मोड होती है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि जो मोड होता है वो डेटा का ही एक नंबर होता है, और यहां पर भी हमसे यही कहा गया है कि मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, यानी मोड हमेशा डेटा का ही एक नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम आपको एग्जांपल के थ्रू भी ये समझाते हैं। यहां पर हमने आपके लिए डेटा लिखा है, 2 2 3 2 5 2 6 3 7। अब इस डेटा में वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखिए, 2 यहाँ पर 4 बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस डेटा का मोड क्या है, इस डेटा का मोड है 2। और जो ये मोड आया 2, ये नंबर इसी डेटा में से आया, और यही बात हमें स्टेटमेंट में कही गई थी कि जो मोड होता है वो डेटा में से ही एक नंबर होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमें दिया गया है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, यानी किसी डेटा का जो मीन होता है वो मीन उसी डेटा का एक नंबर होता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मीन होता है किसी डेटा का, वो मीन उस डेटा का एक नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने डाटा लिया है 2 4 3 5 1। अब हम इस डाटा का मीन फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, हम न्यूमरेटर में इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5, तो अपॉन में यहाँ 5 आएगा। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा 15। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 15, अपॉन में जो ये 5 है, ये 5 यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आ जाएगा। अब हम इस 15 और 5 को आपस में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों को 5 से काटेंगे। देखिए, 5 1 द 5 एंड 5 3 द 15। तो यहाँ पर हमें मीन क्या मिला है, 3। तो यहां पर हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मीन आया इस डेटा का, ये मीन आया 3, और ये जो मीन है 3, ये 3 इस डेटा में भी है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी डेटा का जो मीन आए वो मीन उसी डेटा का एक नंबर हो। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए, हमने डेटा लिया है 2 5 8 4 11। मीन का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो न्यूमरेटर में हमने सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी के 5 लिखा। देखिए यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ अपॉन में 5 आया। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 30। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 30, और अपॉन में जो ये 5 है, ये यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आएगा। अब ये 30 और 5 आपस में सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 5 1 द 5 एंड 5 6 द 30। तो यहाँ पर मीन कितना आ गया है, 6 आ गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा मीन इज इक्वल टू 6। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मीन कितना आया है, 6, और 6 इस डेटा का नंबर नहीं है। जबकि स्टेटमेंट में हमसे ये कहा गया था स्टूडेंट्स कि जो मीन होता है वो मीन डेटा में से ही एक नंबर होता है, जबकि यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स चेक किए, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मीन आया इस एग्जांपल में वो डेटा का ही एक नंबर था, जबकि इस एग्जांपल में हमने चेक किया कि जो मीन आया 6 वो इस डेटा का नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, यानी कि किसी डेटा का जो मीडियन होता है वो उसी डेटा का एक नंबर होता है। अब मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स? मीडियन का मतलब होता है किसी डेटा की मिडल वैल्यू। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी डेटा की मिडल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं तो मीडियन डेटा का ही एक पार्ट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमने डाटा लिया है 1, 3, 2, 6, 5। हमें इस डाटा का मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस डाटा को यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमने इस डाटा को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 1, 2, 3, 5, 6। अब यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 5 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर जो ये 3 होगा ये मीडियन है इस डाटा का। देखिए 3 के लेफ्ट में भी 2 डिजिट्स हैं और 3 के राइट में भी 2 डिजिट्स हैं। तो 3 इस डाटा की मिडल वैल्यू है, यानी 3 इस डाटा का मीडियन है। और जो मीडियन 3 आया वो इस डेटा का ही नंबर है। और यहाँ स्टेटमेंट में हमसे यही कहा गया था कि जो मीडियन होता है वो डेटा का ही एक नंबर होता है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि मीडियन डेटा का ही एक नंबर होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें दिया गया है द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज मीन 9। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर जो ये डाटा दिया गया है इसका मीन हमें 9 बताया गया है। अब हमें चेक करना है कि इस डाटा का मीन 9 है या नहीं। तो मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये मीन यहाँ पर हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा। यहाँ न्यूमरेटर में हम इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और अपॉन में हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशंस है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, तो यहाँ अपॉन में हमने 8 लिखा। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 64। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 64, अपॉन में जो ये 8 है ये 8 यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आ जाएगा। अब हम 64 और 8 को आपस में सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 8 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों को 8 से काटेंगे। देखिए 8 वन द 8 एंड 8 8 द 64। तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स? 8। तो हम यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 8, यानी कि इस डेटा का मीन कितना आ गया है? 8। जबकि क्वेश्चन में हमें डेटा का मीन कितना दिया गया था? 9। तो हम चेक कर सकते हैं कि जो मीन है वो 9 नहीं है, मीन 8 आया है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।